आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। जनपद मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के कस्बा मोरना में आज देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक मेडिकल स्टोर स्वामी की घर में घुसने के बाद गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। बदमाशों ने घटना को अंजाम देने से पहले दहशत फैलाने की गरज से बाजार में फायरिंग की, जिससे बाजार में भय का माहौल व्याप्त हो गया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। दरअसल पूरा मामला भोपा थाना क्षेत्र के ग्राम मोरना का है, जहां अनुज कर्णवाल पुत्र सुशील कर्णवाल का बाजार में मेडिकल स्टोर है। रात्रि 9 बजे के करीब अनुज कर्णवाल अपने घर पर मेडिकल स्टोर बंद करके जा रहे थे, तभी 3 अज्ञात बदमाश वहां आ धमके और अनुज के घर में घुसते ही अज्ञात बदमाशों ने तमंचे से अनुज पर फायर कर दिया, जिससे अनुज को 2 गोलियां लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाश हवा में तमंचा लहराते हुए मौके से फरार हो गए। बताया जाता है कि बदमाशों ने अनुज पर हमला करने से पूर्व बाजार में कई राउंड फायरिंग की, जिससे बाजार में दहशत व्याप्त हो गई। घटना की सूचना मिलने पर भोपा पुलिस मौके पर पहुंच गई और अनुज को गंभीर रूप से घायल होने पर जिला अस्पताल भिजवा दिया गया, जहां पर जिला अस्पताल जाने से पूर्व भी रास्ते में मेडिकल स्वामी की दुखद मौत हो गई, जहां भोपा पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। वहीं अज्ञात बदमाशों ने हत्या की घटना को अंजाम क्यों दिया और हत्यारे कौन थे, अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना के संबंध में ग्राम प्रधान पति शहजाद अंसारी मोरना ने बताया कि मृतक की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, वह तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति था। यह मोरना में मेडिकल चलाता था, जिसकी 3 अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी और हत्या के पश्चात बाजार से फरार हो गए। वहीं घटना के संबंध में मृतक की भाभी ममता कर्णवाल ने बताया कि अनुज की पत्नी अंजिता, पुत्री नंदिनी व गरिमा सभी घर में बैठे हुए खाना खा रहे थे, तभी अनुज के घर में प्रवेश करते ही बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। गोलियों की आवाज सुनकर जैसे ही वह बाहर निकले, किसी तरह उन्होंने बदमाशों की गोलियों से अपनी जान बचाई। मुजफ्फरनगर से लाइव स्टूडियो न्यूज के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। उर्फ है मोड़ने से लड़का, मेडिकल स्टोर है और 3 लड़के अज्ञात आए मोटरसाइकिल पे और उन्होंने जो है 5-4 गोली इसके लड़के को मार दी और लड़का जो है दरवाजे पे गिर के वहाँ पे जो है रुकत आ रहा था, उसके घर से निकले दहशत का माहौल बना और बाजार से निकलते चले गए। बताया जा रहा है कि जैसे पहले आए तो बाजार में फायरिंग करी, दुकानें बंद कराई, कुछ ऐसा भी था? नहीं, दुकानें तो उस टाइम जो है 8:30-8 बजे दुकानें बंद हो जा, कोई आदमी था तो अंधेरा बस होया हुआ था, तो अपने जो है कोई पुरानी रंजिश है कुछ पता लगा कौन थे? कोई रंजिश नहीं, पुरानी कोई रंजिश नहीं, अभी पता भी लगा कौन है, कोई नहीं अज्ञात। हाँ जी, बस हम खाना खा रहे थे, 8:30 बजे की बात है और बस न्यूज देख रहे थे, इतने में बाहर से मतलब आवाज एकदम तेज आई। पहले तो पता नहीं क्या था, हमें तो समझ में नहीं आया, बाहर से आवाज आई जैसे हम भागे हैं, उसके देवला ने मतलब जिसका हस्बैंड है वो, उसके मिसेज, बच्चे, हम जैसे ही बाहर आए जब तक देखा कि वो एकदम फायर करके और गेट दिया और देवानी ने गेट बंद करने की कोशिश की, जैसे अंदर आया तो उस पर भी अटैक किया, उस पर भी फायर करने की कोशिश की, उसने जैसे गेट बंद कर दिया उसने गेट के ऊपर से भी फायरिंग कर दी, बच्चे तुरंत भाग के पीछे हटे, उसके बाद तुरंत लाइट वाइट ऑफ कर दी हमने सारी, इतने में वो बंदा भाग गया। उसके बाद फिर हमने सबको फोन करना शुरू करा, दुश्मनी का कुछ हमें पता नहीं था, क्योंकि देखिए हमारे तो 2-3 तो राउंड है, अकेले बंदे का तो काम नहीं हो सकता है। राउंड गोली चली है, मेरे ख्याल 6-7 राउंड गोली चली है। मदद कितनी देर बाद पहुंची? मदद तो हमारे को 1 घंटा से मतलब आधा पौन घंटा लग गया, मदद पुलिस वाले भी आधे घंटे बाद आए हैं और एम्बुलेंस भी नहीं आई है। एम्बुलेंस मिली है भोपे में, एम्बुलेंस को हमने कई बार फोन किया, 112 पे कई बार फोन किया, कोई रिसीव नहीं कर रहे थे, 100 पे किया, कोई रिसीविंग नहीं हुई है। बाद में आते हैं सब ये लोग आधे 1 घंटे बाद। अभी हादसा हुआ तो कोई ग्रामीण आसपास मोहल्ले के लोग आए? मोहल्ले के लोग आए लेकिन सब ऐसे तमाशा देख रहे थे, किसी ने हेल्प नहीं करी है, सबसे रिक्वेस्ट करते रहे। गाड़ी पहले कोई घटना हुई हो? इससे पहले तो कोई घटना नहीं है ऐसी मेरे समझ में अभी तो फिलहाल। क्या लगता है किसने ये हमला किया है? देखिए इस बारे में तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, ना तो हमारी कोई वो है रंजिश है ऐसी कोई, हम तो सबके साथ दुख सुख में हर टाइम खड़े रहते हैं, हमारी तो कोई ऐसी कुछ